अब हमारे यहाँ इल्म सीखने के लिए लोग, फैज़ सीखने के लिए कुछ लोगों की सोबत भी इख्तियार करते हैं, संगत भी उठाते हैं, और लोग जब जाते हैं पीरी मुरीदी के सिलसिले में तो बाज़ औक़ात ये सोचते हैं कि कोई रश ज़्यादा हो, बाज़ औक़ात ख्याल होता है गद्दी बहुत बड़ी हो, बाज़ औक़ात ख्याल होता है पीर साहब मशहूर हो मारूफ हो, बाज़ का ख्याल होता है कि नस्ल दर नस्ल सज्जादा नशीन चले आ रहे हों। मुख्तलिफ किस्म के लोग लोगों के पास जाके बैठते हैं, दाता साहब हमारी रहनुमाई करते हैं हज़ार साल पहले और हमें एक नुस्खा बताते हैं। आप फरमाते हैं याद रखना, तीन किस्म के लोगों की सोबत से इज्तनाब करना। अपना जहन बना लेना कि हर जगह वक्त गुजर सकता है पर इन लोगों के साथ वक्त नहीं गुजर सकता। हुजूर कौन से? फरमाए एक तो गाफिल और बेअमल उलमा, डिग्री बहुत बड़ी है, नाम बहुत बड़ा है लेकिन अमल कमजोर है। इनसे इज्तना, मेरे असर फरमाया करते थे बंदा ज्यादा पढ़ा लिखा हो और फिर बेअमल हो तो उससे मुकम्मल बचो। बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन बेअमल है, बचो। क्यों? फरमाते थे इसलिए कि वो अपनी बेअमली पर भी दलीलें पेश करेगा कि क्या मैं ये काम नहीं करता, ये वजह है, मेरे पास ये गुंजाइश है, ये रुक सकता है। दाता साहब फरमाते हैं बेअमल गाफिल उलमा, उनकी सोबत से बचो। और फरमाते हैं ऐसा फकीर जो हुजरे में बंद हो जाए और हक बात अपनी जुबान से अदा ही ना करे। वो कह जी मैं दरवेश होता हूं मैं तो नहीं बोल सकता, हुकूमत नाराज हो जाएगी, फलाना नाराज हो जाएगा, इख्तदार वाले नाराज हो जाएंगे, मैं नहीं कोई ऐसी बात कर सकता। कौम परेशान होती है तो होती रहे, महंगाई का शिकार है तो होती रहे, गरीबों पर जुल्म होता है तो होता रहे। जो फकीर इस तरह का है जो फाका मस्त हो गया है, झूठ को झूठ नहीं कहता, जालिम को जालिम नहीं कहता, फरमाए ऐसे फकीर की सोबत से बचो। और तीसरे नंबर पर दाता साहब फरमाते हैं जो जाहिल सूफी है ना, बांझ इल्मो जो करे फकीरी, वो काफर मरे दीवाना हो। जो जाहिल सूफी है उस सूफी की सोबत से भी बचो।